फर्स्ट आपका स्वागत है कानून में। मेरा नाम है इफ्रा, इमरान भी बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ। अभी जहाँ पर अभी हम लोग खड़े ना, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट, मतलब फोर कोर्ट एरिया। ये फोर कोर्ट एरिया किसने बोला था, ये एरिया जो है ना फोर पार्ट में डिवाइड है, इसको चार भागों में बांटा गया। इसके अंदर फोर गार्डन है, फोर ही अंदर आने की गेट्स है। जिस गेट से हमने एंट्रेंस करा ना, ये है वेस्टर्न गेट, ये भी एंट्री है ना। हाँ, उसके ठीक सामने वाला ईस्ट गेट, पूर्वी द्वार, ये है साउथ, वो नॉर्थ। बट एंट्री दो ही गेट से होती है, वेस्ट और ईस्ट। साउथ गेट से अभी केवल एग्जिट है, एंट्री नहीं है, वो अभी बंद कर दिया है, दो ढाई साल हो गया उसको बंद। ठीक है सर, इस गेट को जो बोलते हैं ना वेस्ट, उसका एक रीजन है। हाँ, वो बोलते हैं मतलब सिक्योरिटी, मतलब इधर जो ना काफ़ी नज़दीक में रहने वाले लोग हैं, मतलब घर नज़दीक में, तो इस चक्कर में सिक्योरिटी की वजह से इस गेट की एंट्री बंद कर देते हैं। तो इस गेट को देखना ना, वेस्टर्न गेट, इस गेट का रियल नेम है फतेहपुरी। वो क्यों, शाहजहाँ की तीन बीवियाँ थी, पहली जो वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, जो मैंने आपको बाहर वाइट डॉम दिखाया था ना, उनकी कब्र उसके अंदर है। उस बीवी के लिए बाहर एक मस्जिद बना हुआ है फतेहपुरी, तो इसमें इस गेट को बोलते हैं फतेहपुरी। सेकंड जो गेट देख रहे हैं ना, ईस्ट गेट, बट उस गेट का रियल नेम है संद्री। शाहजहाँ की जो सेकंड जो वाइफ थी संद्री बेगम, सेम ऐसी ही डॉम, इस पेड़ के पीछे वाइट डॉम बना हुआ जो अभी हमें आगे से दिखेगा, उनकी कब्र उसके अंदर है। उस बीवी के लिए बाहर एक मस्जिद बना हुआ, वो सामने की डॉम दिख रही है ना वहाँ पर, तो इसमें इस गेट को बोलते हैं संद्री गेट। ये दोनों जो गेट उसने कम्प्लीट करवाया अपनी वाइफ मेमोरी के लिए। तीसरी जो बीवी थी वो थी मुमताज़, जिसके लिए ये पूरा ताजमहल बना। मुमताज़ का जो रियल नेम था वो था अर्जुमन बानो बेगम। इन दोनों बीवियों से अरेंज मैरिज था, मुमताज़ से लव मैरिज। मुमताज़ जो थी नहीं, वो ईरान से थी, पर्शियन लेडी, वो इंडियन नहीं थी। तीसरे नंबर का गेट देखा ना साउथ गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट है। इस गेट को बोलते हैं लेबर फैमिली गेट। इसके अंदर जो 20,000 जो मजदूर इसके अंदर काम करा करते थे, उनको शाहजहाँ ने रहने की जगह इसी गेट के बाहर दी गया था, फोर कॉलोनी। वो केवल इसी गेट से एंट्री किया करते थे और इसी गेट से एग्जिट, तो इसलिए इस गेट को बोलते हैं लेबर फैमिली गेट। जब हम तीनों गेटों से अंदर आ जाएंगे, चौथा गेट ये पड़ेगा रॉयल गेट, हिंदी में नाम है इसका शाही दरवाज़ा, इसको मुगल गेट भी बोलते हैं। मुगल गेट इसलिए बनाया था, शाहजहाँ जो था ना वो मुगल में से थी, तो ये मेन गेट जो बनाया ना उन्होंने, शाहजहाँ ने मुगलों के लिए ही बनाया। इसमें से नॉर्मल लोग एंट्री नहीं किया करते थे, नॉर्मल लोग के एंट्री के लिए वहाँ पर एक छोटा सा गेट दिख रहा है जो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया, वो उसमें से एंट्री किया करते थे सिपाही वगैरह। इस गेट की जो हाइट है ना, नीचे से लेके ऊपर था बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 105 फीट, मतलब 105 फीट। हाँ, मीटर से जुड़ेंगे 35 मीटर। ऊपर से छोटे छोटे डॉम लोगों ना, वाइट वाले मिडिल में सर, वो काउंट करें कितना डॉम है, हमने डॉम 11 फीट। हाँ, टोटल 22। ये खाली एक यादगार है, ताजमहल जो है ना 22 ईयर्स में कम्प्लीट हुआ, 22 साल में। हाँ, तो उस टाइम पर कोई कैलकुलेशन नहीं, ना ऊपर ऊपर एकदम 11-22 है, गणी जो 11-22 वर्ष लगेगा। 22 साल में ताजमहल कंप्लीट हुआ, 1631 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया, टोटल 22 साल। 20,000 लोगों ने इसके अंदर काम किया रात और दिन। उस टाइम पर नो गलेंडर, नो मशीन, कुछ नहीं, ओनली हैंड वर्क। जो राइटिंग दिख रहा है ब्लैक कलर का 3 स्क्वायर में, वो गैस कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज है, अरबी। जो मुस्लिम लोगों में होता है ना होली बुक कुरान, ये उसका फर्स्ट चैप्टर जो था सूरत वलफ़, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कलर और पेंट से राइटिंग को लिखा गया, बट इस पूरे ताजमहल में कहीं भी कलर और पेंट का यूज नहीं किया। ये सारा सेमी प्रेसी स्टोन है जो हम रिंगवरा में इस्तेमाल करते हैं। वो जो फ्लावर देख रहे हैं, ये भी सारे सेमी प्रेसी स्टोन है। आपने सुना होगा मूल लाइट में ताजमहल खुलता है ना, तो 510 रुपये का एक आदमी का टिकट है। जब आप अंदर आएंगे ना, चंद्रमा का जो लाइट इनिशियल में पता है, ये स्टोन जो है ना ग्लोइंग करते हैं, ये सारा स्टोन चमकता है। टिकट जी कल ले लें आप अभी इधर। तो दोस्तों, आपको हमारे गाइड ने बताया कि ये ताजमहल को बनने के लिए कितने टाइम लगा था, क्या क्या कैसे प्लानिंग किया गया था, एग्जूरेट बोलते हैं एक एक, वो क्या बोलते हैं, छोटा छोटा माप दिया गया था, तब ताजमहल खड़ा हुआ था। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों ताजमहल की ऐसी कारीगरी की गई कि एक सीधी लाइन खींची गई है, उसकी लेफ्ट साइड है वही चीज़ राइट साइड में है, सेम टू सेम। दोस्तों जो एक साइड है वही चीज़ें सारी दूसरी साइड में भी ऐसे प्लानिंग किया गया था। दोस्तों